गुड इवनिंग दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जा रहा है। ये तो मैं क्वेश्चन उठाया 2017 में पूछा गया, बट ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेवन लिखा है, आपको कभी एक्स लिख के दे देगा, कोई और डिजिट लिख के दे देगा, और यहाँ पे आपसे पूछा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एक मार्क्स के एमसीक्यू में आता है, बट आपसे यहाँ से सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है और सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है। आइए हम डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेवन, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेवन, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो हमको इसके लिए आइडेंटिटी आनी चाहिए। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास देखिए तीन आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हमारी पहली और इसको आप मेन आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। क्यों? अब एक बार इसी आइडेंटिटी में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, जैसे ये मेरी आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, फिर वन अपान साइन स्क्वायर थीटा, अगर वन के ये तो रूल होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन प्लस कॉस कॉस अपान साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक सेम उसी प्रकार अगर इसी इक्वेशन में हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसी आइडेंटिटी का हमको यूज करना है। हमको हमने क्या भी आइडेंटिटी पढ़ा कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरे शब्दों में हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर लिखे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये इस आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और आपको एक फार्मूला अलजेब्रा में पढ़ाया गया होगा, फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। इतना आपको पता है तो वही ये फार्मूला हमको यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा इंटू टेन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू उधर तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वन अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब यही है, अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू जनरल देखिए एक्स दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो इसको नोट कर लीजिए। आइए फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लें फिर हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने बताया कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेवन दिया है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा है। तो देखिए अभी जनरली वही बात हो गई ना कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेवन, तो सीधे आंसर एक लाइन में आ गया ना, sec थीटा माइनस टेन थीटा उसी का कॉन्जुगेट है ना, कि वैल्यू क्या हो जाएगी? वन बाई सेवन। ये तो हो गया, लग गया सवाल आपका। बट इसमें कुछ और अगर कभी पूछ ले कि अच्छा ये ही दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेवन और आपसे पूछे कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? टेन थीटा की बताओ, या आपसे पूछ ले कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे? तो अगर हमको इसके आगे पूछे तो हमको इतना तो करना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेवन है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े। इतना अगर आप निकाल ली, अब देखिए आपके पास दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इज इक्वल टू 7, फिर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 हो गया। अब इसको क्या करिए, किसी वैल्यू चाहिए आपको, अगर आपको sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा प्लस माइनस ख़त्म, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 7 + 1/7, 7 + 1/7 को आप ऐड करेंगे तो जाएगा 50/7। अब देखिए ये 2 यहाँ पे, अरे सॉरी ये हो गया, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25/7 हो जाएगा। इतना समझ में आप लोग को, चलिए अगर मान लीजिए इसी में इतना समझ में आया, अब आते हैं थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, ठीक इरेज कर देते हैं। अगर हमसे हमको यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा की, तो tan थीटा की अगर हमको वैल्यू निकालनी रहेगी तो वही काम, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7। अगर हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस, ये sec थीटा ख़त्म। देखो एक बात याद रखिएगा, अब इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अब इसी साइन का वैल्यू है, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो गया 2 tan थीटा, ठीक इक्वल टू 7 - 1/7 कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, 1 घटाएंगे कितना 48/7, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 48/7। अभी देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 24/7। ऐसे क्वेश्चन ये देखिए इस टाइप अगर आपसे पूछेगा तो ये 3 मार्क्स में पूछेगा, कितने में पूछेगा 3 मार्क्स में, लेकिन अगर इतना ही पूछेगा जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है इतना ही पूछेगा तो ये 1 नंबर के MCQ में आएगा, या तो 2 नंबर, अधिक से अधिक इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। थैंक यू क्लास, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।